तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, जबरदस्त। तो आ जाओ, आज हम आप लोगों को सिखाते हैं एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। ठीक है, क्या बोला मैंने? एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ आज के क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और ये आपके नीट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जेई एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। एम्पियर साहब ने बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम टू द करेंट इंक्लोज्ड बाय दैट लूप। कहने का मतलब क्या होता है कि एम्पियर का अपना जो नियम था, उन्होंने ये बात बताई, बहुत बढ़िया से एक बात बताई अपने लॉ में, जो एम्पियर साहब का लॉ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में उन्होंने ये बात बताई कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट इंक्लोज्ड बाय करंट लूप या इंक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। ठीक है, इंक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। और यहाँ पर एक बात और भी बताई, जिस चीज़ को कि लोग आपको इग्नोर कर देते हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा कहीं। क्या बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का? मतलब ये हो गया कि ये इंटीग्रल इंटीग्रेशन का साइन है। किसका इंटीग्रेशन करना है? लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, यानी बी डॉट डी एल। वो भी किसके लिए? करंट इंक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। तो अभी किसके लिए? क्लोज्ड लूप के लिए। ये कितना होता है? तो म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट। सपोज आई यहाँ पर क्या है? नेट करंट है। तो ये इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये एम्पियर सर्क्यूटर लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि नोट कि शेप ऑफ क्लोज लूप, वट एवर बी द शेप ऑफ क्लोज लूप, इट डज नॉट मैटर। ठीक है ना, वट एवर बी द शेप ऑफ क्लोज लूप, कि जो करेंट, जो क्लोज लूप है वो हमारा किसी भी शेप का हो, कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइप का हो। उसके लिए जब हम उस क्लोज लूप के लिए जब लाइन इंटीग्रल हम इक्वेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो हमारा म्यू नॉट इंटू आई ही रिजल्ट में देगा, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगा कि शेप जो क्लोज लूप है उसका शेप कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा रिजल्ट म्यू नॉट आना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझ लेते हैं कि मान लो कि ये कोई इस शेप का, ये इस शेप का कोई क्लोज्ड लूप है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, और यहाँ से करंट कोई पास हो रहा है, इस वाले पोर्शन से करंट हमारा पास हो रहा है। ठीक है, कितना करंट जा रहा है? सपोज कैपिटल आई, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से होते हुए, और इस वायर को इनक्लोज कौन कर रहा है? ये लूप। तो ये लूप का शेप कैसा है? रेगुलर शेप तो है नहीं, ये एक लूप है, और ये किस शेप का है? इररेगुलर शेप का है। तो इस शेप के लिए भी जब हम लाइन इंटीग्रल इक्वेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इक्वेट करेंगे, तब भी हमारा रिजल्ट कितना आएगा? म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर हमने एक्चुअल में कैपिटल आई करंट लिया था, तो कैपिटल आई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? अब ऐसे ही जैसे मान लेते हैं कि एक कोई और ऐसे शेप हमने ले लिया। अब इस शेप के अंदर कि यहाँ इस, मतलब ऐसे समझो कि ऐसे एक करंट पास हो रहा है इधर, सपोज इसकी वैल्यू है I1, और एक करंट ऐसे इस पॉइंट से इनवर्ड जा रहा है नीचे की ओर, यानी एक करंट अपवर्ड जा रहा है ऊपर की ओर I1, और एक करंट I2 हमारा इनवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रहा है I2।
आई टू। अब इसके लिए जब हम एम्पियर सर्क्यूटर लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा, तो इस शेप के लिए हमारा जो कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा लाइन इंटीग्रल जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डी एल इज इक्वल टू तो म्यू नॉट। अब देखो ये जो है इस वाले के, और मान लो लूप का डायरेक्शन हम ऐसे ले ले, मतलब ये जो लूप है लूप में अपने मन से हमने ऐसा कुछ एरो एरो बना ले, इसमें भी अगर हम लूप में ऐसा एरो बना ले ठीक, तो इसका मतलब कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एक टाइप का, और जो कि इसके रिस्पेक्ट में है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कि करंट ऊपर जा रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज ऐसे होना चाहिए है ना। तो इस शेप में अगर है तो इस वाले चीज को प्लस में लेंगे और इस वाले की वैल्यू को माइनस में लेंगे। तो जब हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करने लगेंगे बेटा तो हमने लिख लिया म्यू नॉट, लेकिन आई वन वाली वैल्यू को हम लोग प्लस में लेंगे और आई टू वाले वैल्यू को माइनस में लेंगे, क्योंकि नेट करंट अब हमारा इतना है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब को फॉलो करता है उसको प्लस में लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज के हिसाब से फॉलो करता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो हमारा इस लूप के लिए जब हम इस क्लोज लूप के लिए जब हम एम्पियर सर्क्यूटर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट इतना आएगा, क्लियर है, और इसके लिए इतना आएगा। शेप कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लेते हैं कि करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, लूप हमने यहाँ बना लिया, दिस इज द लूप, दिस इज द लूप ठीक। तो अब इस लूप से एसोसिएटेड ना कोई करंट नहीं है, करंट इस लूप से एसोसिएटेड जीरो मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसके लिए इस लूप के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल इक्वेट करें मैग्नेटिक फील्ड का कि बी डॉट डी एल, तो इसका हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। रिजल्ट जीरो आने के पीछे का रीजन क्या है, रिजल्ट जीरो आने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि करंट हमारा जीरो हो रहा है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो इसका जो मेन रीजन है इस लूप के लिए कि इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ये कोई कंपलसरी नहीं है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये वायर है तो इसके नियर बाई के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड तो होगा अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो मतलब इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड दिस लूप, बट करंट इनसाइड दिस लूप इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो। रीजन, क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटर लॉ जब अप्लाई करेंगे तो हमारा होता है म्यू नॉट इनटू आई, और ये आई कौन सा लेते हैं, जो करंट इस लूप के अंदर हो, करंट लूप के अंदर हो ना, तो इसके अंदर तो कोई करंट नहीं है तो आई जीरो है, आई जीरो होने की वजह से रिजल्टेंट हमारा जीरो आ जाएगा ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर बी डॉट डी एल की वैल्यू आपको जीरो दिया है, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू जीरो दिया है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला कि या तो करंट जीरो है, करंट तो जीरो होता ही है, करंट तो जीरो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हो मिल जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग हम कहें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जीरो, में भी जीरो और में नॉट, और में नॉट कि वो जीरो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो भी सकता है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो नहीं भी हो सकता, ये दोनों बातें हैं। बात समझ रही है, क्या बोला मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो भी सकता है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे ठीक है ना। बड़ा सा आसान सा लॉ है, आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में एक दो खास बात हम आपको और बताएंगे जो आपको और कोई नहीं बताएगा। जैसे मान लो बच्चों, ठीक है, ऐसे है ठीक। अब देखो बात को समझना, और इस वाले पॉइंट पर हमारा मान लो लिखा है 4 एम्पियर, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, इसको बड़ा करने के लिए बनाया जा सकता है बड़ा, देखते हैं अगर बड़ा हो सकता है तो मैं इसको कोशिश करता हूं कि ये बड़ा बन जाए। अरे यार ये तो सब स्प्लिट हो गया, ऐसा करते हैं रुक जाओ दूसरा बना लेते हैं हम, कि जैसे कोई तार वार वायर नहीं रखा होता है, लो ये है इस तरीके का शेप है। अब मान लो कि यहां पर इस लूप के अंदर हमारा करंट कितना है, सपोज 4 एम्पियर, और इस लूप के अंदर हमारा करंट कितना है मान लो 2 एम्पियर, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ जो ये है, ये देखो, ये देखो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग है, ये देखो बेटा ये एरो का डायरेक्शन है, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, लूप के लिए लूप का डायरेक्शन है मान लो,
लूप के लिए ऐसा डायरेक्शन हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया। तो जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके लिए पॉजिटिव करंट लेते हैं, जहां पर क्लॉकवाइज के शेप में होगा वहां पर माइनस लेते हैं। अब अगर इस 4 एम्पियर वाले लूप की बात करें, 4 एम्पियर वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो 4 एम्पियर वाले करंट को दो अलग अलग लूप इनक्लोज कर रहा है, एक ये छोटा वाला लूप भी इनक्लोज कर रहा और एक ये देखो यहां से लेके यहां तक, तो ये बड़ा वाला लूप यानी ये जो लूप है ये बड़ा वाला ये भी इनक्लोज कर रहा, यानी कि दो लूप के अंदर एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप दो हैं और उसके अंदर 4 एम्पियर का करंट है, ऐसा समझो। ठीक, दो अलग अलग लूप हैं। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि जब इसका लाइन इंटीग्रल दो लूप के टर्म में अगर हम इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, इसके लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल हम अप्लाई करेंगे, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू अगर दो टर्न है तो हमारा 2 times into μ0 I होगा। जहां एक टर्न है वहां एक बार म्यू नॉट इंटू आई होगा। तो यानी कि 4 एम्पियर दो बार में इंक्लोज कर रहा, तो जब इस शेप के लिए हम एम्पियर सर्क्यूटर लॉ अप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू देखना म्यू नॉट इंटू, देखो ये 4 छोटे वाले लूप में भी है बड़े वाले में भी है और ये दोनों ही एंटी क्लॉक वाइज अकॉर्डिंग है, तो ये दोनों प्लस में लिए जाएंगे यानी प्लस और प्लस। और इस छोटे वाले की अगर बात करो तो इस छोटे वाले में क्या है, माइनस में है। इस पूरे शेप की मैं बात कर रहा था, पूरे शेप के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल निकाल इक्वेट करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के केस में इसके अंदर जो करंट है उसको हम लोग माइनस में लेंगे, तो माइनस 2 एम्पियर सोल्व कर लिया, 4 + 4 = 8, 8 - 2 = 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा इसका 6 μ0 आएगा। यानी इस पूरे कंप्लीट शेप के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो 6 μ0 हमारा रिजल्ट में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ लेना कि जितनी बार कोई टर्न रहेगा, जैसे यहाँ पर हमारा मान लो करंट है, ये करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, लो करंट का डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड बना दिया, या ऐसे ही ले लो स्ट्रेट वायर ही खींच देते हैं तुम्हारे लिए समझने के लिए, स्ट्रेट वायर एक बार में सही से खींच जा मेरे भाई। ठीक है, चलो खींच गया, लो करंट हम मान लो ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा, 4 एम्पियर का करंट जा रहा। अब इससे एसोसिएटेड कई सारे लूप बने हैं, एक दो तीन, और इन लूप का डायरेक्शन हमने ऐसे बना दिया। ठीक, ये सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अब इस पूरे कंप्लीट डायग्राम के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल अप्लाई करें, ठीक है ना, क्योंकि इस लूप के लिए भी म्यू नॉट आई होगा, इसके लिए भी म्यू नॉट आई, इसके लिए भी म्यू नॉट आई, और सब में करंट कितना है 4 एम्पियर, चाहे फर्स्ट लूप हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो, तीनों लूप के लिए। तो जब इसका मतलब कि तीन बार, यानी कि जो नेट हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा फॉर क्लोज लूप बी डॉट डी एल, इस फिगर के हिसाब से जो हमारा आएगा वो कितना निकलेगा, म्यू नॉट पहले लूप के लिए भी आई, दूसरे के लिए भी आई, तीसरे के लिए भी आई, मतलब आएगा ना, तो तीन बार हमारा ये आ जाएगा यानी I + I + I। तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे 3 times कर देते हैं, क्या कर देंगे कि 3 times into μ0 I। अब वैल्यू रख देंगे कि 3 times μ0 I की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, कितना आ जाएगा 12 into μ0। बात समझ आई? तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में। हम जानते हैं कि बेसिक लेवल पे एम्पियर सर्क्यूटर लॉ आप लोगों को सभी लोगों ने पढ़ाए होंगे, सभी लोगों ने बताए होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो जो चीज़ें हमने आपको बताई ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि हाउ टू यूज एम्पियर सर्क्यूटर लॉ फॉर अ क्लोज लूप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।